हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इलिप्स बनाने की रेक्टेंगल मेथड लाया हूँ, जिसमें फिर से आपको कुछ दीर्घ अक्ष दिया होगा और लघु अक्ष दिया होगा 60 mm। ये डिस्टेंस लघु अक्ष है और दीर्घ अक्ष है, ये आपको और भी अलग अलग डायमेंशन में कुछ भी दे सकता है। तो सबसे पहले आपको जो दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष दिया है उसने का एक रेक्टेंगल बनाना है, क्योंकि नाम ही रेक्टेंगल मेथड है तो रेक्टेंगल बना लेना है। ये 120 और ये 60, फिर इसके चार भाग कर देना है, चार इक्वल भाग कर देने हैं। चार इक्वल भाग कैसे करोगे, 120 के आधा पे निशान और यहाँ से सीधी लाइन, और 60 का आधे पे निशान और सीधी लाइन। तो इस प्रकार से इसके चार भाग कर दिए मैंने बराबर इक्वल इक्वल। अब क्या करना है, इस वाले भाग का और इस वाले भाग का आपको इतने भाग करने हैं कि जितने भाग इसके होंगे उतने ही भाग इसके हों। ये आपका कितना है, ये पूरा 60 था, तो अभी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 30। तो इसके पांच भाग कर रहा हूँ मैं, तो पांच ही भाग इसके यहाँ से यहाँ तक करने होंगे आपको। यदि मैं छह भाग करूँ तो आपको छह भाग करने हैं इसके, ये सात भाग करता हूँ तो सात भाग। तो मैंने इसके पांच भाग कर दिए हैं इक्वल। तो ये जब 30 mm है तो एक भाग कितने का बनेगा, 5 5 mm का। तो इसमें 5 5 mm के भाग बना दूंगा मैं एक। तो इस प्रकार से मैंने इसके छह भाग कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक छह भाग इसके 1 2 3 4 5 6, ये जो छह भाग हैं 10 10 mm के हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा 60, ये 120 है तो ये 60 होगा, 60 का आधा, 60 के पांच भाग छह भाग करोगे 10 10 mm के आएंगे, और यहाँ पर 5 5 mm के। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये लाइन आपको इस तरीके से मिलानी है कि ये आपका C1 से जाएगा। एक मिनट, अभी पहले सबसे पहले ये वाली लाइन आपको मिलानी है इस प्रकार से, सारी की सारी लाइन आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है इधर से। आपको अभी जितना भी काम करना है बहुत हल्का, हल्की पेंसिल से करना है, 2H से कर सकते हैं आप। और इसके बाद यहाँ से जो लाइन जाएंगी वो इस C1 से होके जाएंगी, और जो C1 है वो पहले वाले चाप से जो कटी हुई लाइन जा रही है उसी को काटेगी, दूसरे वाले को जो C2 से जाएगी वो दूसरे वाले चाप से कटी हुई लाइन को से जाएगी, दूसरा C3 से जो जाएगी लाइन वो तीसरी वाली लाइन को काटेगी, और जो C4 से जाएगी वो C4 वाली लाइन से को ही काटेगी, और लास्ट में जो C5 वाली लाइन है आपको C5 लाइन से वाली को ही काटेगी। तो इस प्रकार से हमारे पास चार बिंदु आ चुके हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार से चार बिंदु आ गए, इन्हीं चार बिंदुओं से बना के हम पूरा का पूरा बना सकें। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल वर्टिकल। और इसके बाद यहाँ इन्हीं बिंदु से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल आगे तक। तो इस प्रकार से हर बिंदु से मैंने यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, और हर उसी बिंदु से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर, यही बिंदु मेरे को नीचे चाहिए, यही बिंदु मेरे साइड में चाहिए। तो देखो क्या तरीका होता है इसका, यही बिंदु बिल्कुल नीचे लगाने का, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है डिवाइडर में या प्रकार में भी ले सकते हो, और यहाँ से यहाँ तक आप चाप लगा दोगे बिल्कुल। तो ये लगभग यहाँ तक आ रहा है, फिर आप यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस लोगे, और फिर ये वाली लाइन आपकी कहाँ कितनी बढ़ेगी, इतनी, जितनी ये लाइन एक्स्ट्रा होगी आपको ये मिटा देना है बस। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस लोगे डिवाइडर में, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कट लगा दो, निशान लगा दो। इसके बाद ये वाली लाइन कितनी आगे जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक लेना है आपको, और ये आपकी यहाँ तक जाएगी। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेनी है आपको, तो इसके सामने वाली लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, और इसके बाद ये वाली लाइन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, और इसके बाद ये आपको इंडिकेट करते हैं लास्ट में ये वाली लाइन इसकी डिस्टेंस कहाँ यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक होगी। एक्स्ट्रा लाइन आपको मिटा देनी है, तो ये लाइन आपकी यहाँ तक आएगी, ये वाली लाइन यहाँ तक आएगी, ये यहाँ तक, ये यहाँ, और यहाँ, ऐसे ही हमने यहाँ से ये लाइन नीचे ड्रॉ करनी है, और फिर यहाँ से बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है।
जैसे यहाँ से लगाया था हमने निशान तो वैसे ही यहाँ पर लगाएंगे। ये लाइन कहाँ तक जाएगी आपकी? यहाँ तक। और ये वाली लाइन भी आपकी कितनी लंबी होगी? इस पॉइंट तक। तो ये वाली लाइन ये यहाँ तक, ये वाला पॉइंट यहाँ तक। तो इस प्रकार से हमें ये पॉइंट मिल चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पर फाइव। ठीक, अब आपको करना क्या है, बस इनको मिलाना है। तो इसमें एक बात समझ लीजिए, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। इससे होगा क्या, आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहेंगे और ये आपको वीडियो बार बार आपके नोटिफिकेशन में आती रहेगी, जिससे आपको हेल्प रहेगी अब ये सीखने में। इस तो आप क्या करोगे, आप इन बिंदुओं को मिलाते रहिए। इन बिंदुओं को स्ट्रेट लाइन नहीं मिलानी है, वो कर्व की शेप में बनाना ही है। इस प्रकार से आप इनका नाम भी डाल सकते हैं, P1, P2, P3, P4। तो इस प्रकार से जो हमारा निर्माण हुआ है किसका, इलिप्स का, वो कौन सा मेथड कहलाएगा आपका, रेक्टेंगल मेथड। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।